सामने अगर मशरूम आप देख रहे हो काफ़ी बड़े साइज का है, ऊपर मत आ जाना। ये यार तो हम हैं अभी एशियन लाइन के केस के पास। ये भाई सब ऑस्ट्रिच और काफ़ी बड़े साइज का होता है और इसका अंडा आप सभी तो दोस्तों फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं दिल्ली के जू में और कुछ इस तरीके का है फिलहाल। मैं आपको यहां के बारे में बता दूं, यहां पे अगर कभी आप आते हैं तो आप आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और आपके पास या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास गूगल पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैश से टिकट नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पर टिकट काउंटर नहीं है। बाकी मैं बता दूँ, यहाँ पर जो सामान है ना, आपका एक एक सामान का अलग से पैसा लिया जाता है। मतलब अगर आपके पास एक चप्पल है तो एक चप्पल का 5 रुपये और दूसरी चप्पल का 5 रुपये, उन दोनों का मिला के आपको 5 रुपये नहीं देना पड़ेगा, आपको दोनों का अलग अलग देना पड़ेगा। मेरे पास बैग था भाई, एक एक बिस्किट का मैंने पैसा लिया है, मेरे पास बिस्किट 4 पड़े थे तो उसका भी मुझसे पैसा लिया गया। और मैं बताऊँ यहाँ पर मुझसे सामान जमा करने के टोटल 80 रुपये लिए गए, और बताऊँ सामान जमा करने के 80 रुपये, साथ में 80 रुपये मेरा टिकट था वो हो गया, और साइकिल खड़ी करने का, और ऊपर से अकड़ रहे हैं। और सच बताऊं औरतें ना, अगर कभी नौकरी लग जाए तो वो शायद इंसानों को जीने ना दें। और ये बात मैं खुद की नहीं, मैं सबकी कहता हूँ, अगर चाहे मेरी माँ हो, मेरी बहन हो या फिर कोई और हो, जो लड़की जात होती है ना, उसकी अगर नौकरी लग गई तो वो मर्द को जीने नहीं देगी। फ़िलहाल आप इस पर फोकस करो, ये कबाड़ से बनाई हुई फिश है। दोस्तों मैं पार्क में एंटर हो गया हूँ और ये देखिए यहाँ पे लिखा है नीलगाय और काकड़ हिरन, तो आप सामने देख रहे होंगे वो बैठे हैं, आपको शायद मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, वो सामने आप देख रहे होंगे वहाँ पे बैठे हैं, वो छोटे छोटे हिरन हैं, और जो ये बड़ी वाली है ये है नीलगाय, वो उठ रही है। तो फिलहाल अब चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ हाथी। वैसे तो यार हम उत्तराखंड वाले, हमारे लिए हाथी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे खेतों में आ जाया करते हैं, बट आज मैं फ़र्स्ट टाइम जू में जाके हाथी देखूंगा। मैंने रियल लाइफ में मतलब ऐसे जंगली हाथी तो बहुत बार ही देखा है, क्योंकि जंगली हाथी यार हमारे खेत में आया है तो मैंने बहुत पास से देखा है। मैं छत पे था और मेरे छत के नीचे जंगली हाथी खड़ा था तो बहुत पास से देखा, बट मैंने कभी भी जू में नहीं देखा, तो आज मैं जू में भी जाके देख लूँगा। है हाथी ने तो तेरे को देख ही नहीं पाया। मेरे को नहीं देखा ना। शुरू और चल रहे हैं भाई, देखते हैं कहाँ है भाई हाथी। तो फिलहाल हम आ गए हैं अभी बंदरों के एरिया में, और ये बबून, ये है बबून बंदर, जो कि आपने शायद डिस्कवरी चैनल में और अफ्रीका में शायद ज़्यादा देखे होंगे। वो है दो ब्लैक कलर के जो कि वहाँ पे घूम रहे, और नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे भी दिखा है, यहाँ पे भी बबून है, पर है कहाँ। और दो बंदर हम यहाँ पे दो आप देख रहे होंगे, वहाँ पे दो बाड़े बने हुए हैं, वो सामने उस वाले बाड़े में बैठा है बड़ा सा बबून, और काफ़ी बड़ा है। मतलब इसका साइज़ मैं बताऊँ तो जो हमारे नॉर्मल बंदर होते हैं उनका कम से कम 3 गुना, इतना बड़ा है ये बबून। और आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा अलग टाइप का जानवर दिखाई दे रहा है यार, ये बंदर ये चीज़ें दिखा रहे हैं यार हमें, पैसा ले लिया यार हमसे 80 रुपये, मेरा तो 80 का, मेरा 200 रुपये चला गया है यार जू में आके, और अगर कुछ दिखा नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा यार फिलहाल तो। दोस्तों सामने देख रहे होंगे इस बाड़े में है हिरन, जो कि काफ़ी क्यूट है। इसमें बारहसिंगा और जो नॉर्मल हिरन होते हैं वो दोनों ही है, और सभी यहाँ पे छाया में बैठे हैं इकट्ठे। तो फिलहाल हम देखते हैं कुछ और, क्योंकि मैंने 200 रुपये खर्च किए हैं, बड़ा जानवर देखना है कुछ, और मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया है। इसके बारे में लिखा है ये है, ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा है, जिसे पाड़ा सुंदर चीतल की जाति का होता है, लेकिन इसका शरीर सुअर की तरह गठीला होता है, तो कुछ इस तरीके का है। अगर कभी आप यहाँ पर आते हैं तो आपको 80 रुपये का टिकट मिलेगा, और आपका जो सामान है वो पर सामान का 5 रुपये जमा होगा, और अगर आपके पास साइकिल या बाइक है तो उसका चार्ज अलग से लगेगा, तो कुछ इस तरीके का है। और बीच बीच में यहाँ पर पानी के नल भी लगे हैं। तो ये है गौर, जो कि आप सामने देख रहे हैं, मात्र इसके ये सिर्फ 2 बच्चे हैं शायद, ये नर और मादा 2 ही बचे हुए यहाँ पे, और इसमें लिखा भी है कि गौर एक विलुप्त प्रजाति का पशु है, सामने देख रहे होंगे। तो
तो मेरे ख्याल से, और मैंने इसके बारे में, इसको सिर्फ मैंने इसी चिड़ियाघर में देखा, बाकी कहीं मुझे देखने को भी नहीं मिला। और सामने आप वो वहाँ पे है, शायद आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि भाई इधर देख, इधर ये है भाई साहब लोमड़ी, और काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसने, ये देखो ये नेचुरल चीज है, ये फोटो खिंचाने की तमीज है उसे, तुरंत रुक गई वो। और ये काफी देर से इतने बीच में ही घूम रही है, शायद इसका कुछ अलग टाइप का होगा। और इसमें घूम घूम के अपने आप को बहुत ज्यादा स्लिम, इसने अपने आप को बहुत ज्यादा स्लिम बना लिया है। आप देख रहे होंगे ये काफी छोटी है। नहीं यार, परेशान नहीं करना चाहिए ऐसे जानवर। वैसे आपने गीदड़ बहुत सारे देखे होंगे, बट इसको थोड़ा सा पास से देख लो। और ये अब रुक गया है, गीदड़ है, हमारी आवाज से भाग रहा है। तो फिलहाल अब चलते हैं, कुछ और देखते हैं। और कैमरे की बैटरी बहुत कम रह गई है, तो मुझे भाई जल्दी जल्दी इस पार्क को घूमना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं। और ये काफ़ी देर में यहाँ पे एक परिक्रमा कर रहा है। आ नहीं आएगा यार, इसे नजा वसा। दोस्तों हम पहुँच गए हैं हम राइनो के पिंजरे के पास। ये सामने लिखा है राइनो, और मैं आपको करीब से दिखाता हूँ राइनो। और यहाँ पे दो ही राइनो हैं, वो सामने उधर। ओ भाई मैं कहाँ फंस गया, अरे कहाँ फंस गया मैं। चलिए चलते हैं और थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको राइनो। दोस्तों ये है सामने राइनो, और भाई इसको मतलब आप अगर रियल में ऐसे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने साइड चादर ओढ़ी होगी। असल में लग नहीं रहा है दूर से, है ना, जैसे चादर वगैरह या अलग से इसके ऊपर खाल चढ़ाई होगी। तो ये दो राइनो है, एक ये है, ये शायद एक मेल और फीमेल होगा। तो कुछ इस तरीके से डेंटिस्ट का सिलसिला, ऊपर मत आ जाना सब। ये है गंडा, अपने आप वही दे रहा है, पोस्ट तो दे रहा है ये भाई साहब। यार अच्छा भला लड़ाई कर रहे थे और अंकल ने चिल्ला के उनको भगा दिया। लड़ो 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 यार, लड़ो एक बार और फिर से, वंस मोर। वो कुछ और है यार वहाँ पे, और मैंने बोला था कि ये नर और मादा है, तो आई थिंक कि ये मीटिंग करने की सोच रहे हैं। और दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है भाई दो गैंडे, एक फीमेल और एक मेल, और मीटिंग के लिए सोच रहे हैं, बट अंकल बार बार चिल्ला दे रहे हैं तो इनकी मीटिंग कैंसिल हो जा रही है। ये गुड गुड गुड, ये हम देखे आए पंकित मगर, और ये है सामने मगरमच्छ जो आप देख रहे होंगे, काफी बड़े साइज का है क्रोकोडाइल। शेर कहाँ है, और अभी सो रहा है फिलहाल। शेर इसके पेट में है, शेर आवाज कर रहा है। अब सामने देख रहे होंगे पप्पी की तरह, मतलब छोटे छोटे हिरन आप देख रहे हो, मतलब बकरी के बच्चे की तरह यार, वाकई में यार। चलते हैं और अब देखते हैं यार लायन इसमें क्या है, शेर इधर है, तो इसमें क्या है। दोस्तों हम आ गए हैं अफ्रीकन एलिफेंट के केज में, और यार भाई का फोन आ गया, वो है जो आप देख रहे होंगे सामने सूट उठा रहा है। हाथी को बिल्कुल दूर रखा था, काफी दूर, तो वो प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा था, मतलब मुझे तो दिख गया बट शायद आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वीडियो में उतना साफ तरीके से नहीं दिख रहा था। फिलहाल हम चलते हैं अब लायन की तरफ, और टाइम हो गया है ऑफ होने का, मतलब जू बंद होने का। तो यार जल्दी जल्दी भाग भाग के फिलहाल मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार क्या आपको दिखा सकता हूँ। और ओ यार दोस्तों अब हम आ गए हैं इंडियन एलिफेंट के केज में, और आप सामने देख रहे होंगे ये अपना सूंड घुमा रहे हैं और कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। ये दो हैं यहाँ पे, ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये यार वो पुराने किले के पास में ही। दोस्तों हम हैं अभी एशियन लायन के केज के पास, और लायन काफ़ी ज़्यादा भाई ज़बरदस्त है, मतलब उग्र सर रूप में सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वो वहाँ पे बैठा है। सामने आप देख रहेंगे ये है एशियन लायन, और काफ़ी देर से भाई दहाड़ रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी जो पिंजरे में जानवर होते हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको सही से खाना पीना नहीं मिल पाता है। दोस्तों हम हैं अभी बिना पूछ के बंदरों के पास, और ये है इन किसी भी बंदरों की पूछ नहीं है, और यहाँ पे करीब 8-10 बंदर हैं।
दोस्तों हम हैं अभी शुतुरमुर्ग के बाड़े के पास और मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और इसका अंडा आप सभी लोग जानते होंगे कि काफ़ी बड़ा होता है, 2.5 से 3 किलो का। मैंने एक बार ये देहरादून में इसके अंडे को हाथ में उठा के देखा था तो 2.5 किलो का था, 2.5 से 3 किलो का। तो ये भाई सब तेंदुआ और बट शायद मैं वीडियो में इसे फर्स्ट टाइम कैद कर रहा हूँ। दोस्तों अब मैं जू से बाहर आ गया हूँ और मैं रूम पर पहुँच गया हूँ। दोस्तों जिस तरीके का मतलब वहाँ पे पैसा खर्च हुआ ना, जिस तरीके से मेरे 200 रुपये खर्च हुए, उस तरीके का वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे स्टाफ अच्छा नहीं था और ये मैंने वहाँ पे जाके देख लिया कि मतलब जाते ही वहाँ पे कि अगर आप 5 मिनट लेट हो गए तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का था। और सबसे बड़ी बात तो जो लेडीज़ स्टाफ था वो इतना ज़्यादा खास नहीं था। तो बाकी अगर कभी भी आप वहाँ जाते हैं तो 80 रुपये का टिकट है और वहाँ पे कैश मतलब काउंटर नहीं है, या तो आपके गूगल पे में पैसे होने चाहिए या फिर आपके ATM में पैसे होने चाहिए, मतलब आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो आपको वेबसाइट पे जाके तब आपको टिकट मिलेगा। तो फ़िलहाल इतना ही, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।